नमस्कार दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने पिता द्वारा हमारे लिए किए गए संघर्षों को भूल जाते हैं। तो इस फादर्स डे आइए हम ओम व्यास ओम जी की कविता द्वारा जानते हैं कि पिता क्या है, उनका अस्तित्व क्या है। अगर आपके दिल में अपने पिता के लिए भरपूर प्रेम है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस कविता को आप अंत तक सुनने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिता, पिता क्या है? पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का हम पर सबसे बड़ा एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है, माँ बाप की कमी कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान ऊंचा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।